हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल ये फिफ्टीन अगस्त से लेकर ट्वेंटी तो अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं टैरो प्रडिक्शन्स हैं और देखिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट एनर्जीज थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशंस देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखिए अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 होता है अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी कॉन्टेक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड सेकेंड थिंग बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो देखिए टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं चाहे फिर वो आपका सन साइन हो मून साइन हो एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए इसे से आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस रिवर्स Unfated मीटिंग और ये कार्ड्स कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ इस वीक आप एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं कोई चीज़ या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है पाइसिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस किसी भी लाइफ के एरिया में जब ये बैलेंस बिगड़ता है तभी इश्यूज़ और मसले भी हमारी लाइफ में आते हैं और अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइसिस तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें और हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है कोई चॉइस करनी है जिसको लेकर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं और ये इश्यूज़, ये मसले सबके लिए डिफर कर सकते हैं लेकिन यहां पर ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप हो सकता है ओवर लॉजिकल हो रहे हैं ओवर आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं ओवर आप यू नो राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं और इमोशंस फीलिंग्स एकदम से मिसिंग रहती हुए दिख रही हैं तो देखिए चीज़ों को लेकर प्रोज एंड कॉन्स को देखना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम ओवर किसी भी चीज़ को करते हैं तब फिर हम परेशान होते हैं तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें और देखिए हो सकता है पीछे पाइसेज आपने इमोशनल होकर कुछ डिसीजंस लिए कुछ चॉइसेस ली जिसकी वजह से आप परेशान हुए और इस वीक इसीलिए शायद आप ओवर एनालिटिक हो रहे हैं लेकिन देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक एक्सपीरियंस आपका गलत रहा इसका मतलब ये नहीं है कि हर बारी आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेंगे वो गलत होगा इनफैक्ट देखिए जब आप ओवर इमोशनल होते हैं चीज़ों को लेकर तब भी आप परेशान होते हैं जब आप ओवर लॉजिकल होते हैं तब भी परेशान होते हैं हरदम ही एक हार्ट और माइंड का बैलेंस आइडियल होता है तो इस चीज़ को भी जरूर आप चेक करके करेक्ट करें एंड क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है तो हो सकता है कि आप किसी कोर्ट को विजिट कर रहे हैं जज वकील को मिल रहे हैं और यह सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कुछ इशू कुछ मसले के लिए आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं जज वकील को मिल रहे हैं एट टाइम सिंपली लाइसेंस के लिए या फिर किसी पेपर पे साइन करने के लिए भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है जज वकील को मिलना पड़ता है तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक सिनारियो रह सकता है ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पे रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि जो भी हो रहा है कहीं आपके साथ चीजें फेयर नहीं हो रही हैं किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस कर सकते हैं यानी कि किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफ़र्ट किया बहुत मेहनत करी तो उस तरीके का एक आउटकम रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है या फिर किसी इंसान के साथ आपने बहुत यू you नो know, अच्छा किया बहुत आप सपोर्टिव रहे उनकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा यहाँ पर जस्टिस रिवर्स का कार्ड से सिंपली एक यू you नो know, किसी तरीके का इन या फिर अनफेयर एनर्जीज महसूस करने की बात करता है एंड डीपर लेवल के लिए फेटेड मीटिंग का कार्ड कहता है किसी इंसान से आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में मिल सकते हैं और इनके साथ मिलना आपका डेस्टिन्ड है और देखिए इनका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल आगे जाके आपकी लाइफ में भी रह सकता है हो सकता है कि इस वीक आप उसको देख पाए या ना देख पाए एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द टॉवर एंड द बर्ड्स मेस्ट रिवर्स तो सबसे पहली चीज स्पाइसिस मैं आपको यही कहूँगी अगर आप ड्राइव करते हैं तो इस वीक थोड़ा सा आप यू नो कॉशियस होकर ड्राइव करें या मैं कहूँगी बिल्कुल भी आप रैश ड्राइविंग ना करें वैसे तो हमें हमेशा ही ध्यान से ड्राइव करना चाहिए लेकिन इस वीक आप इस चीज़ का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखें एंड ओवरऑल के लिए देखें तो किसी भी इमोशन किसी भी फीलिंग को अगर आप बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे थे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो इस वीक सडनली यू नो आप इन्हीं इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं सडनली यू नो आप अपनी इमोशंस का वेंट आउट करते हुए दिख रहे हैं इन द प्रोसेस आप थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं इन द प्रोसेस थोड़ा सा यू you नो know, आप गुस्सा फ्रस्टेटेड भी चीज़ों को लेकर हो सकते हैं ये फीलिंग ये इमोशन सबके लिए डिफर करेगी कुछ के लिए लव हो सकता है कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप कोई चीज़ किसी को कहना चाह रहे थे और नहीं कह रहे थे तो अगेन देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका वेंट आउट आप करते हुए दिख रहे हैं एंड इन द प्रोसेस आप थोड़े से अग्रेसिव हो रहे हैं जिसकी वजह से इशूज़ और मसले रह सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइसिस की आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस का वेंट आउट करें वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप एग्रेसिव ना हों आप बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें क्योंकि देखिए जब ऐसी एनर्जीज़ में हम होते हैं तब कहीं हमारे मुँह से गलत बातें निकल जाती हैं गलत हमारे एक्शंस इनिशेटिवस हो जाते हैं और बाद में फिर हम बहुत रिग्रेट करते हैं देखिए बर्ड्स नेस्ट रिवर्स का कार्ड कहता है किसी फैमिली मेंबर लव वन क्लोज़ वन से आपका किसी लेवल पे डिस्टेंस हो सकता है एक दूरी आ सकती है और देखिए टॉवर का कार्ड कह भी रहा है कि कुछ इश्यूज़ कुछ मसले रहेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स की तरफ से अगर आप देखें गाइडेंस क्या है तो यही कह रहे हैं कार्ड्स की अगर आप अपनी इस फ्रस्ट्रेशन गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं इसको कहीं आप यू नो चेक करके करेक्ट कर सकते हैं तो ये डिस्टेंस भी आपका अवॉइड हो सकता है और देखिए टैरो होता भी गाइडेंस के लिए है और अगर पहले से ही आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस चीज़ को अप्लाई करके आप किसी लेवल पे अवॉइड भी कर सकते हैं एंड दूसरी चीज़ बर्ड्स नेस्ट रिवर्स का कार्ड रीलोकेशन की बात करता है चेंज ऑफ प्लेस की बात करता है चेंज ऑफ रेजिडेंस की बात करता है ट्रैवल की भी बात करता है और कुछ ऐसा भी कुछ पाइसिस के लिए इस वीक या तो रह रहा है या फिर इससे रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हैं यानी कि नया घर लेना चाह रहे हैं ले रहे हैं रेजिडेंस घर बदलना चाह रहे हैं बदल रहे हैं या फिर टेम्परली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके लव वन आपके क्लोज वन के साथ आपका एक डिस्टेंस आ रहा है इनफैक्ट ये डिस्टेंस किसी भी लेवल पे हो सकता है कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है और देखिए ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई मसला या बहुत बड़ा इशू नहीं होगा छोटी मोटी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और नया वीक वैसे भी नई एनर्जीज़ लेकर आएगा तो इस वीक जो भी गाइडेंस आपको कार्ड्स दे रहे हैं उसको आप अप्लाई कर लेते हैं तो इस वीक के एनर्जीज़ को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि पुरानी चीज़ें जो भी आपको सर्व नहीं कर रही हैं जो भी किसी भी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं बॉडर कर रही हैं वो कोई भी चीज़ हो सकती है पुराना काम करने का तरीका हो सकता है पुरानी जगह हो सकती है पुराना बिलीफ सिस्टम हो सकता है कोई इंसान हो सकता है जितनी जल्दी आप यू you नो know, इन चीज़ों को गो करेंगे आप नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी ज़िंदगी आसान करेंगे अपनी जिंदगी में बेहतर एनर्जीज लेकर आएंगे एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए